हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अग्रवाल महिला मंडल द्वारा श्रावणी मेला लगाया गया। मेले का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने फीता काटकर किया। इस दौरान मेला संयोजक सुधा मोदी, रीता अग्रवाल और मीनू अग्रवाल द्वारा पुष्पगुच्छ और मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मेले में लगाए गए स्टालों का निरीक्षण करते हुए डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि अग्रवाल महिला मंडल सामाजिक कार्य में अग्रणी रहती हैं। कई वर्षों से संस्था द्वारा जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। इस अवसर पर शशि अग्रवाल, शोभा अग्रवाल, दीपाली अग्रवाल, प्राची जैन, अंशु अग्रवाल और अर्चना अग्रवाल सहित सैकड़ों अग्रवाल महिला मंडल से जुड़े लोग मौजूद रहे। सोचू का नाम लगे ना और नीचे मत रहिए प्लीज। स्वागत करें विजय भैया से अनुरोध है कि और हर बार हमारे अगला प्रांगण है अग्रवाल महिला मंडल। क्या हाल है भाभी? इधर देखिएगा अपने सोशल स्टेटस में परिवर्तन महसूस होता है जी? बिल्कुल, अंदर से आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अभी तो एक अच्छा रिस्पॉन्स है। सलमान जी कहाँ कमाते हैं? राघव। क्या नाम है? अभियान। और आप? अश्विन भैया गुंडा। ये दोनों ट्वीन है क्या? राजघाट से तुम्हारी बिटिया है क्या? पढ़ती है कि नहीं? कहाँ पढ़ रही है? लेकिन सामाजिक पहचान ये है कि शहर में कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसमें श्रद्धेय पुरुषोत्तम जैन जी का हर प्रकार का सहयोग न होता हो और उनकी सक्रियता न होती हो। हमारे बगल में खड़ी गोरखपुर की पूर्व मेयर, जिन्होंने अपने कार्यकाल में बड़े स्वाभिमान के साथ, बड़ी मेहनत के साथ गोरखपुर के विकास में अपना रचनात्मक योगदान किया है, श्रीमती अंजू चौधरी जी। पीछे खड़ी सारी बहनों के नाम मैं जानता हूं, आपको पता है, इसलिए मुझे आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इनके पति हो सकते हैं लेकिन भ्रम मत रखिएगा, इनकी राजनीतिक चाबी मेरे पास रहती है, आप लोगों के पास नहीं रहती। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, मैं भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव हूं, लेकिन इसी गोरखपुर का निवासी हूं। 20 साल तक मैं यहाँ का विधायक रहा हूँ और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि अपनी अग्रवाल समाज की बहनों की जो सामाजिक सक्रियता है,
विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याओं के लिए उनकी जो मुखरता है, समाज कल्याण का उनके अंदर जो भाव है, और समाज के विभिन्न वर्गों में जहाँ कहीं भी पीड़ा है उस पीड़ा का एहसास करके अपनी उपस्थिति दिखाना और जो कुछ व्यवहारिक रूप से संभव है उसको करने का प्रयास करना, अग्रवाल महिला मंडल और हमारी जो अन्य अग्रवाल महिलाओं की संस्थाएं हैं सामाजिक दृष्टि से गोरखपुर और पूर्वांचल के नागरिकों के लिए और विशेष रूप से हमारी बहनों के लिए, ये एक प्रेरक प्रसंग है। और इनकी सक्रियता से जो वर्ष पर्यंत ये लोग सक्रियता करते हैं, सिर्फ अग्रवाल महिला मंडल के माध्यम से ही नहीं बल्कि अन्य जो विभिन्न सामाजिक संगठन हैं, कहीं कमजोर विद्यालय हैं उन विद्यालयों को गोद में लेना, कुछ लोगों का गरीब है उनका ऑपरेशन न हो तो उनको आर्थिक मदद करना, समाज में कहीं भी कुष्ठ रोगी हैं, कहीं समाज से प्रताड़ित और पिछड़े हैं उनकी मदद के लिए पहुँचना, बच्चे गरीब शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं उनकी शिक्षा के लिए व्यवस्था करना, ढेर सारी प्रकल्प इनके चलते हैं। और जिस समर्पण और निष्ठा के भाव से ये लोग सेवा करती हैं, हम सबको गर्व की अनुभूति होती है कि हम लोग इस गोरखपुर शहर के 20 साल तक प्रतिनिधि रहे हैं।